हाय गाइज आई होप डूइंग वेरी वेल इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग दैप्टर ऑफ ई सी सी एफ सिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैपिटल अलाउंस तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं जैसे अभी तक लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं कैपिटल एसेट्स पर नॉर्मली वाइल मेकिंग अकाउंट्स हम इन कैपिटल एसेट्स पे डेप्रीसिएशन क्लेम करते हैं है हाँ ना फाइल मेकिंग अकाउंट्स लेकिन मैंने बताया था कि एज पर इनकम टैक्स पर्पज जो भी ये डिप्रिसिएशन क्लेम होती है इसको हम इनकम टैक्स में बैक कर देते हैं कि ये एक्सपेंस कैपिटल एसेट्स पे ऐसे अलाउड नहीं है लेकिन इसका दूसरा तरीका है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल अलाउंस उसके तरीके से आपको कैपिटल एसेट्स पे जैसे एक तरह की डिप्रिसिएशन होती है इसमें कैपिटल अलाउंस बोला जाता है आपको वो अलाउंस मिलेगा तो चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कैपिटल एसेट्स होते हैं जिसपे किस किस तरह से हमें कैपिटल अलाउंसेस मिलता है तो <coughs> तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर सबसे पहले आता है कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी पे तो कैपिटल अलाउंसेस क्यों दिया जाता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है ठीक है अब याद रखना इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अब हु मे क्लेम कैपिटल अलाउंस कैपिटल अलाउंस कौन क्लेम कर सकते हैं तो कैपिटल अलाउंस आर अवेलेबल टू पर्सन हु बाय क्वालिफाइंग एसेट्स दैट इज प्लांट एंड मशीनरी के जो भी बिजनेस मैन या तो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है अन इनकॉर्पोरेट बिजनेस है या कंपनी है जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहा है अपने बिजनेस के लिए ट्रेड और प्रोफेशन के लिए ही कैन क्लेम दिस कैपिटल अलाउंस इसको तुम एक तरह से जैसे अकाउंट्स में अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं यहां पे हम इसको कैपिटल अलाउंस बोलते हैं कि इतना अलाउंस आप क्लेम कर सकते हो उन एसेट्स के अगेंस्ट ठीक है फॉर टैक्स एग्जामिनेशन कैपिटल आर नॉट अवेलेबल टू अन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसिस दैट यूज कैश बेसिस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि अगर कोई बिजनेस कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो उसका तो सिंपल सा रूल है जिस दिन खर्चा हुआ कैश गया उस दिन एक्सपेंडिचर जिस दिन कैश आया उस दिन इनकम तो उन कंपनीज वो इनकॉप अन बिजनेस नहीं क्लेम कर सकते कैपिटल लाउन्स बाकी कौन कौन से अन यहां लिखा हुआ है आई जस्ट राइट इट डाउन अन इनकॉरपोरेटिड बिजनेस इंडिविजुअल जो क्रूवल बेसिस चल रहे हैं। और companies. ये दोनों कैन क्लेम कैपिटल अलाउंस अब कैपिटल अलाउंस आर अलेबल टू बोथ सोल ट्रेडर एंड कंपनीज हाव एवर कंपनीज के लिए जो कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करने का तरीका है वो हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में नहीं है उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि चैप्टर नंबर 15 का एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है कि देर इज अपर डिडक्शन एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ फर्स्ट ईयर अलाउेंस कवर्ड इन दैट चैप्टर ओनली अवेलेबल टू कंपनीज तो कंपनीज के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना ठीक है कंपनी हमें सिर्फ अभी जो हम इस चैप्टर में कैपिटल अलाउंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक अनको इनकॉरपोरेटेड बिजनेस इंडिविजुअल जो अक्रूवल बेसिस पर चल रहा है उसको कैपिटल अलाउन्स कैसे बेनिफिट मिलेगा सबसे पहले आता है हमारा क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर सो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर इस कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसपे हम कैपिटल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं तो वो हमने पढ़ा था प्लांटर मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी जो भी हमारी बिजनेस के अंदर यूज होती है तो कैपिटल अलाउंसेज आर गिवन ऑन ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल सब्सिक्वेंट क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर दैट इज इंप्रूवमेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी में मैंने कुछ भी इम्प्रूवमेंट कराई है नॉट रिपेयर्स यहां पर याद रखना नॉट रिपेयर्स

हम उसमें से माइनस करते हैं अपना कैपिटल अलाउंस तो हम उसमें ऐड करते थे ऐड बैक करते थे अपनी डेप्रिसिएशन जो हमने एज पर अकाउंट कैलकुलेट करी हुई है और माइनस करते थे कैपिटल अलाउंस तो कैलकुलेटेड फॉर ट्रेडर्स पीरियड ऑफ अकाउंट दैट इज पीरियड फॉर बिच दे प्रिपेयर अकाउंट्स कि जिस टाइम के लिए ट्रेडर बुक्स बना रहा है उस टाइम के लिए कैपिटल अलाउंस हम कैलकुलेट करेंगे अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है देखो मशीन हम सबको पता है कि जिस मशीन पे हम काम करते हैं है ना आज तक हमने इतनी बार पढ़ा हुआ प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट एंड मशीनरी में फर्क क्या होता है सो मशीन तो सबको पता है जिसके अंदर हम ये काम करते हैं एक सिंपल मशीन अब प्लांट क्या होता है सो प्लांट इज द ढांचा जिसको यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना कि जिसके अंदर तो दो चीज़ें होती है देखो अब जैसे मान लो हमारी एक बिल्डिंग है ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर हमारा एक पूरा ढांचा बना हुआ है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा जैसा मर्जी मतलब स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा मैंने बना दिया जैसे मान लो ये एक प्लाट ये हिसाब है ऐसे करके यहाँ पे पाइप है यहाँ ये है यहाँ पे ऐसे प्लेट्स हैं कुछ भी ऐसा लगा हुआ है ये जो ढांचा है दिस विल बी कॉल्ड प्लांट सो प्लांट मीन्स इस ढांचे को यूज़ करके हम बिजनेस कर रहे हैं बिल्डिंग इज समथिंग जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं एंड बिल्डिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट ठीक है तो प्लांट है वो ढांचा वो प्रोडक्ट जिसको यूज करके हम बिजनेस चला रहे हैं एक तरह से प्लांट का याद करने का तरीका जो मैंने शॉर्टकट बनाया है दैट इज लाइक अ बिग नॉन मूवेबल मशीन एक तरह से शॉर्टकट है मतलब कहीं ये डेफिनेशन में मत लिख देना बिग नॉन मशीन एक लर्न करने का तरीका है शॉर्टकट कि प्लांट इज लाइक अ बिग मशीन बिग स्ट्रक्चर इसको मूवेबल स्ट्रक्चर बोल देते हैं नॉन मूवेबल स्ट्रक्चर जिसको यूज करके हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है तो मशीनरी की तो कॉमन डेफिनेशन है जो सबको पता है इसमें यहाँ लिखा हुआ है जैसे मशीन्स कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट ये सारी मशीन्स होती हैं लेकिन प्लांट के बारे में कहीं कुछ क्लियर नहीं बताया हुआ तो इन्होंने कुछ की प्रिंसिपल्स दिए हैं यह समझने के लिए कि आप किस चीज को प्लांट बोल सकते हैं किस चीज को नहीं तो की प्रिंसिपल क्या बताया है अगर वो स्ट्रक्चर विद विच बिजनेस इज ऑन जिसके साथ बिजनेस किया जाता है तो हम उसको प्लांट बोलेंगे अगर वो स्ट्रक्चर इन विच द बिजनेस इज ऑन जिसके अंदर काम किया जाता है दैट इज नॉट बिकॉज इट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग इट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग तो जिसके साथ काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्लांट जिस सेट के अंदर काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग सो दिस इज द की प्रिंसिपल हालांकि ये प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और इसके तरीके से चले तो काफ़ी ज़्यादा हमारे को डिफ़िकल्टी आती है समझने में तो इन्होंने जैसे क्या बताया हुआ है एसेट विच डीम टू बी प्लांट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसेट्स को हम प्लांट बोल सकते हैं सो देर आर सर्टन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दैट ऑल दो नॉट प्लांट यूजिंग द अब की प्रिंसिपल आर ट्रीटेड एज प्लांट बाई स्पेसिफिकेशन वैसे तो एज पर अब इसको प्लांट नहीं बोला हुआ लेकिन स्पेसिफिकेशन आई थी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि प्लांट क्या क्या हो सकता है सो द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरेशन टू बिल्डिंग नीडिड टू इंस्टॉल अ प्लांट अगर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए हमने बिल्डिंग में कुछ ऑल्ट्रेशन कराई है बिल्डिंग में तोड़ताड़ करी है ट विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ प्लांट और उसकी कॉस्ट हमारी प्लांट के कॉस्ट में एड हो जाएगी प्लांट के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम इसको एड कर देंगे ठीक है तो अगर हमने बिल्डिंग में कुछ भी ऑल्टरेशन कराई है टू इंस्टॉल दैट प्लांट दैट विल ऑल्सो बी अ प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इनकर ऑन एक्वायरिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर हमने सॉफ्टवेयर परचेज करा है सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट ठीक है

हमारे लिए बिल्डिंग वगैरह के लिए कैलकुलेशन अलग है सो so, प्लांट की अलग है बिल्डिंग की अलग है तो जैसे मैंने इतने सारे चैप्टर्स कराए हैं अभी तक तो तुम सब स्पेसिफिकली फॉर टैक्स एक काम क्या कर सकते हो विच आई विल नॉट बी एबल टू डू इट राइट नाउ क्योंकि मुझे सिलेबस थोड़ा जल्दी कराना है तुम अपनी कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जस्ट फॉर दी कैलकुलेशन हर टॉपिक की कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी जैसे मैंने लिखा हुआ है कि प्लांट की अलग कैलकुलेशन बिल्डिंग की अलग तो प्लांट एंड मशीनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो वर्किंग तो वो एक शॉर्ट नोट्स तुम अपनी कॉपी में अपनी हैंड में बना सकते हो ताकि रिविजन के टाइम पर तुम सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सको क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें करनी पड़ेंगी तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट वॉच ऑल दी वीडियोस अगेन तो तुम एक शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर सकते हो मे बी मैं भी नॉट इन दिस अटेम्प्ट आगे जाके नेक्स्ट ईयर जब मैं टैक्स में कोई चेंजेस हो उसको तो अपडेट करूं तो मैं भी शायद शॉर्ट नोट्स बनाऊँ ठीक है अभी तो मैं नहीं बना रहा बट यू कैन डू इट फॉर यू जो तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेंगे ठीक है तो एक समरी इन्होंने क्या बता दी हमें ये समरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो डेटरमाइनिंग वॉट इज एंड वॉट इज नॉट प्लांट कैन बी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस सो इन द एग्जामिनेशन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्क जो हमारे को क्वेश्चन में आते हैं दैट इज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर मशीनरी कार्स एंड लॉरीज ऑफिस फर्नीचर मूवेबल पार्टीशंस एयर कंडीशंस ऑल्टरेशन टू बिल्डिंग नीडीड टू इंस्टॉल दी प्लांट एंड मशीनरी सो दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमें प्लांट एंड मशीनरी को अलग से सेपरेट नहीं करना के प्लांट की अलग मशीनरी की अलग हमें एक ग्रुप वाइज देखना है प्लांट एंड मशीनरी ठीक है अब यहां पर नीचे इन्होंने डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी थोराटिकली में बताई हुए कि कैसे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला तो इसको एक बार पढ़ लेना एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड तुम्हें अच्छे से समझ आ रहेगा कि कैसे इन्होंने बायफोकेट किया कि किसको हम प्लांट बोल सकते हैं किसको नहीं बोल सकते सिर्फ रीडिंग के लिए नॉट एज सच वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेटिंग दी अलाउंस अब हम अलाउेंस कैसे निकाले अलावेंस मतलब डेप्रिसिएशन अलाउेंस मतलब डेप्रिसिएशन डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट के एज पर इनकम टैक्स हम डेप्रिसिएशन कैसे निकाले तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है अ मेन पूल और जनरल पूल अब जनरल पूल क्या होता है जनरल पूल इज लाइक अ रूम रूम का मतलब कि जितने भी हमारे प्लांट एंड मशीनरी के एसेट्स हैं उन सबको हम इस जनरल पूल में डालते चले जाएंगे ठीक है जितने भी हमारे प्लांट एंड मशीनरी जो भी हम परचेज करेंगे उनका परचेज कॉस्ट हम इस पूल में डालते चले जाएंगे सो जनरली एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी बिकम पार्ट्स ऑफ अ पूल एक्सपेंडिचर अपॉन विच कैपिटल अलाउंस आर क्लेम्ड नॉर्मली कैपिटल अलाउंस आर नॉट कैलकुलेटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस कि कैपिटल अलाउंस ऐसा नहीं है कि हमने दस एसेट परचेज किए तो हर एसेट पर अलग कैलकुलेट होगा नहीं हम सारी प्लांट एंड मशीनरी का टोटल करके एक पूल में डाल देंगे और उस पूल के ऊपर हम अपनी अलाउंस क्लेम करेंगे सो मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी परचेज आर इंक्लूडेड इन द मेन पूल, ठीक है नोन एज जनरल पूल सम मोटर कार्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द मेन पूल एट परचेज नेमली ऑल कार्स विथ सीओ टू एमिशन बिटवीन वन ग्राम टू फिफ्टी ग्राम ये भी हमारी पूल का पार्ट होता है सेकेंड हैंड कार्स विथ जीरो सीओ टू अमीशन यह भी हमारा पूल का पार्ट होता है तो पूल में क्या क्या आएगा मोस्ट ऑफ द्लांटेड मशीनरी नॉट ऑल मोस्ट ऑफ द्लांटेड मशीनरी सारी कारिफ्टी ग्राम के बीच में है। और सेकेंड हैंड कार्स जिनका एमिशन सी ओ टू से जिनका जीरो सीओ टू अमीशन है ठीक है वेन एसेड इज एक्वायर्ड दर्चेस प्राइस इंक्रीज दैल्यू ऑफ दूल हाँ जैसे हम एसिड परचेज करते हैं तो पूल की वैल्यू बढ़ जाती है ड इज डिस्पोज ऑफ ये इंपॉर्टेंट बहुत है गाइज जब भी कोई एसिड सेल होता है द पुल वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय लोअर ऑफ सेल प्रोसीड और ओरिजिनल कॉस्ट अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि वैसे तो हमेशा हम ऑरिजिनल कॉस्ट माइनस करते हैं अपने अकाउंट्स में यहाँ पर क्या कह रहे हैं अगर हमने कोई एसेड सेल कर दिया डिस्पोज कर दिया तो पूल से हम कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे या तो उसकी सेल प्रोसीड जो पैसे हमें आए हैं या फिर जिस प्राइस पे हमने ओरिजिनल परचेस किया था कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे परचेस किया था विच एवरेज लोअर वो हमारा पूल से माइनस होगा ठीक है तो यहां का अगर मैं इसका एक नॉर्मल उसमें लिख दू अपनी टर्म में तो ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट और सेल प्राइस विच एवरेज लोअर वो हमारा डिस्पोजल के टाइम पे माइनस होता है दिस विल बी माइनस रिडक्टेड फ्रॉम द पूल और एड क्या क्या होगा हमारा नॉर्मल जो भी हमने परचेज करा है सर्टेन आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन पूल फॉर अन इनकॉर्पोरेट बिजनेस कौन कौन सी चीज़ें मेन पूल में ऐड नहीं होती मतलब जो हमारा मेन पुल है जिसमें हम सारी प्लांटर मशीनरी डालते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ें ऐड नहीं होती न्यू जीरो सीओ टू एमिशन मोटर कार की जो जीरो सीओ टू एमिशन होती है अगर हमने नई कार परचेस की है वो उस पूल में ऐड नहीं होगी अगर हमने नई या सेकेंड हैंड कार परचेज की है जिसका सीओ टू एमिशन फिफ्टी ग्राम से ज्यादा है एसेट्स दैट आर यूज पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पज बाय बिजनेस और पार्टली घर के लिए यूज होता है वो भी इंक्लूड नहीं होगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन शॉर्ट लाइफ एसेट्स वेयर इन इलेक्शन टू डी पूल इज मेड इसका मतलब है कि हमने कोई शॉर्ट लाइफ के लिए एसेट लिया है जिसका पर्पस य है कि हमें उसको दो एक दो साल में बेच देना है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना एंड एक्सपेंडिचर इनकट ऑन आइटम दैन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ स्पेशल रेट पूल कि इन सब पे अगर हमने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है ये हमारा मेन पूल में नहीं आता तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमारे दो पूल बनते हैं एक बनता है हमारा मेन पूल और एक बनता है स्पेशल पूल तो सारी चीजें मोस्टली मेन पूल में आती हैं एक्सेप्ट कौन कौन सी मेल पूल में नहीं आएंगी न्यू जीरो सीओ टू कार एमिशन नहीं परचेज की है सेकेंड हैंड और नई कार परचेज की है जिसका सी ओ टू एडमिशन फिफ्टी ग्राम से ज्यादा है एसेट जो प्राइवेट के लिए भी यूज होते हैं एक्सपेंडिचर ऑन शॉर्ट लाइफ और इन सब एसेट्स पर हमने कोई भी एक्सपेंडिचर किया हो तो वो सारा स्पेशल पूल में आएगा ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अब आगे नेक्स्ट फ्यू सेक्शन गो थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिटेल रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अलाउंस कैलक अलाउस बाय स्टेप अप्रोच इज एक्सप्लेन बिल्डिंग अप टू फुल कैपिटल छोड़ देते हैं हमने अभी तक ये अभी तक क्या पढ़ा है हमने कि एक तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है हाउ टू डेटर वॉट इज प्लांट वॉट इज मशीनरी देन सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था कि हमारे दो टाइप के पूल होते हैं एक नॉर्मल पूल जनरल पूल और एक होता है हमारा स्पेशल पूल अब इस पूल का आचार डालें। नहीं अब पॉइंट क्या होता है जो भी हमारा जनरल पूल होता है जो भी हमारा जनरल पूल होता है उस पूल में से हमारे को एक अलाउंस मिलता है क्या एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस दैट इज एआई सो द एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अ हंड्रेड परसेंट अलाउंस फॉर फर्स्ट वन मिलियन पाउंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकड ऑन बिजनेस इन अ 12 मंथ्स पीरियड ऑन प्लांट एंड मशीनरी कि प्लांट एंड मशीनरी कौन से मेन पूल वाले है? के मेन पूल वाली कोई भी प्लांट एंड मशीनरी पे जो मैंने खर्चा किया है तो टोटल 1 मिलियन तक का अगर मैंने खर्चा किया है तो सारा का सारा मुझे फर्स्ट ईयर में ही अलाउंस मिल जाएगा क्या बोला मैंने कि अगर 1 मिलियन तक का मैंने खर्चा किया है तो सारा का सारा मुझे फर्स्ट ईयर में ही अलाउंस मिल जाएगा सो द की रूल्स फॉर दिस आर

मतलब हर साल एवरी ईयर याद रखना एवरी ईयर ईच ट मंथ पीरियड ईच ट्वेल्व मंथ पीरियड को हम एक टर्म से क्या बोल सकते हैं दिस मीनस एवरी ईयर एवरी ईयर हर साल हमें वन मिलियन पाउंड एक बेनिफिट मिलेगा फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट्स ऑफ मैक्सिमम अलाउंस इज इंक्रीज डिक्रीज इसको हम छोड़ देते हैं अभी आगे पढ़ेंगे नॉट अवेलेबल इन द पीरियड ऑफ अकाउंट इन विच ट्रेड सीज मतलब जिस सेक्शन में जिस टाइम पे हमारा काम बिजनेस बंद हो जाता है उस साल हम ये क्लेम नहीं कर सकते जो हमारा ये वाला अलाउंस है तो हमने क्या पढ़ा कि मेन पूल या इसको मेन पूल अभी हटा देते हैं लेट्स लीव दिस पार्ट पॉइंट इज सारी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमें ये अलाउंस मिलता है एक्सेप्ट ऑन कार्स कार्स को छोड़ के सारी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमारे कोई अलाउंस मिलता है कितना अलाउंस मिलता है मैक्सिमम ऑफ वन मिलियन डॉलर्स एवरी ईयर और एवरी परचेस अगर हमने परचेस करी है जिस साल परचेस की है उसमें वन मिलियन पाउंड अलाउंस मिलेगा सिंपल ठीक है तो क्या है इसमें फॉर परचेजेस में तो जो भी हमने परचेस करी है जो भी हमने परचेज करा है ड्यूरिंग द ईयर परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने परचेज किया है उसमें से माइनस कर देंगे AIA, हम ए आई ए दैट इज़ एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस वन मिलियन डॉलर हम माइनस कर देंगे और बैलेंस हमारा बचेगा अब इस बैलेंस का क्या करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा अभी हमें क्या देखना है बस कि ए आई ए कितना मिलता है अब पॉइंट इस सोचो पहले साल मेरा परचेज जो था वो कम थी ठीक है और ए आई ए था ज़्यादा तो परचेज अगर मान लो मेरी एट मिलियन की, तो, की थी परचेज एट हंड्रेड थाउजेंड की थी ऑफकोर्स मेरे को एट हंड्रेड थाउजेंड नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं <coughs> ठीक है तो मतलब मेरा अलाउंस टू हंड्रेड थाउजेंड का बच गया तो वो अलाउंस मेरा वेस्ट हो गया ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा ठीक है अगर मान लो मैंने एक साल में कोई एसेड परचेज ही नहीं करा पुराने एसेट्स हैं मेरे पिछले सालों के इस साल मैंने कोई एसेड परचेज ही नहीं करा तो मेरे को कोई अलाउंस नहीं मिलेगा अलाउंस सिर्फ परचेज पे मिलता है जो एसेट्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करें ठीक है यहां पे ये लिखा हुआ है वेर बिजनेस स्पेंड्स मोर देन वन मिलियन पाउंड्स इन अ अ इन ईयर ऑन क्वालिफाइंग दिस क्वालिफाइज राइटिंग डाउन अलाउंस दैट इज डब्ल्यू डी ए इसका मतलब क्या है अब ये देखना गाइस सबसे पहले हमें दो टाइप के बेनिफिट मिलेंगे एक तो वन मिलियन डॉलर्स का हमें सीधा सीधा अलाउंस मिल जाएगा और उसके बाद वन मिलियन डॉलर से ऊपर जो भी वैल्यू है सो बी अब वन मिलियन जो भी हमारा था उसके ऊपर एक तरह से हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं वो किस रेट पे क्लेम करेंगे वो हमें आगे पता चलेगा तो एक तो वन मिलियन डॉलर जो भी हमने परचेस किया है जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किए हैं प्लांट एंड मशीनरी उसमें वन मिलियन डॉलर का वन मिलियन पाउंड्स का बेनिफिट मिल जाएगा और ओवर एंड अबव जो भी मैंने परचेस किया है उस पर मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगी और डेप्रिसिएशन हर साल मिलती रहेगी ये डेप्रिसिएशन को इन्होंने नाम दिया है रिटर्न डाउन अलाउंस तो एक तरह से डेप्रिसिएशन ही है ये ठीक है नोट दैट टैक्स पेयर डू नॉट हैव टू क्लेम ऑल और है ए आई ए इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू इफ दे डोंट वॉन्ट टू तो वो क्लेम नहीं करना चाहते तो वो नहीं करेंगे एनी अनयूज ए आई ए कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड और कैरीड बैक मैंने बताया था कि अगर ए आई एनुअल अलाउंस जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस अगर हमारा बच गया तो वो नेक्स्ट ईयर यूज नहीं हो सकता तो इसके तुम्हारे को अभी डाउट काफी आ रहे होंगे बट डोंट वरी वो डाउट तुम्हारे ईजिली क्लियर हो जाएंगे जब हमें क्वेश्चन करेंगे और अब हम वो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद तुम्हें मैं ये पढ़ाऊंगा ठीक है अब देखो मैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मैथ्यू कमेंस ट्रेडिंग ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ठीक है और हमारा टैक्स ईयर है ट्वेंटी टू इन फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग ही मेड द फॉलोइंग परचेज प्लांट एंड मशीनरी इतनी परचेज करी ठीक है ये हमारा मेन पूल में जाएगा ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट मेन पूल में जाएगा अ न्यू कार विद सी ओ टू अमिशन फॉर द यूज़ ऑफ इस मैनेजर दैट मीन्स ऑफिस यूज है प्राइवेट यूज नहीं है तो ये हमारा जो जाएगा ये मेन पूल में नहीं जाएगा ये अलग में जाएगा ठीक है अब देखो हमारा पॉइंट क्या है जो एनुअल ये भी हमारा जाएगा तो सारा सॉरी मेन पूल में ही बट पॉइंट क्या है जो एनुअल अलाउंस है वो कार्स पे नहीं मिलता वो सिर्फ इस पे मिलता है वन जीरो सिक्स डबल जीरो प्लस वन सेवनटी सो टोटल आ रहा है वन टू थ्री जीरो 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 टोटल इसमें से मुझे वन मिलियन डॉलर का ही अलाउंस मिलेगा सो दैट मीन्स टू थ्री इतना ये मेरा चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड सो टू थ्री जीरो 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 ये मेरा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड तो हाउ विल आई शो इट इन बुक्स मैं बुक्स में कैसे दिखाऊंगा कि मेन पूल में मेरा क्या क्या जाएगा एक तो जो मेरी कार थी इलेवन थाउजेंड की कार तो हमारी मेन पूल में चलेगी उसके बाद ए आई ए के लिए प्लांट एंड मशीनरी इतनी हमने परचेज की थी इतनी हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की थी इस परचेज में से और प्लांट एंड मशीनरी और ये ऑफिस इक्विपमेंट मैंने परचेज किया था इसमें से मैक्सिमम अलाउंस मुझे वन मिलियन का मिल गया तो बैलेंस मेरा मेन पूल में चला गया और बैलेंस आफ्टर ए आई ए मतलब इस अलाउंस uh, को माइनस करने के बाद मेरा जो मेन पूल में बैलेंस बचा है वो बचा है इतना सो so, इस पे मैं कैलकुलेट करूँगा अपनी डेप्रिसिएशन जो मैंने ऊपर बताया था ठीक है so, सो अगर तुम मुझसे पूछो कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें ये बताओ आप सिंपल कि हमें प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है अभी तक प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले ये ए आई जितना हमने क्लेम करा है एक तो जितना हमने कैपिटल अलाउंस क्लेम करा ये माइनस करेंगे और दूसरा जो भी बैलेंस हमारा बचाए उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये दो चीज़ें माइनस करते हैं जिसका अकाउंट से कोई भी लिंक नहीं है। तो जो भी हमारे प्रॉफिट से एक तो जो भी हमने अलाउंस क्लेम किया है पहले साल वो माइनस होगा और जो भी एसेट्स बचे हैं वैल्यू आफ्टर ए आई ए उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो माइनस होगा ठीक है दोनों चीज़ें प्रॉफिट में से माइनस होती हैं अब मेन पूल यही रहेगा याद रखना मेन पूल में वो जो मेन पूल और स्पेशल पूल बताया था वो अलग चीज़ है मेन पूल मैं कन्फ्यूज़ हो गया था मेन पूल में हमारे वो एसेड जाते हैं जिसपे हम अलाउंस लगाने के बाद अलाउंस के बाद जो वैल्यू बचती है दैट गोज़ इन द मेन पूल ठीक है जो अलाउंस ही मिल गया वो तो हटेगी यहाँ से वैल्यू तो दैट गोज़ टू द मेन पूल अब ये पॉइंट क्या कह रहा था ये पॉइंट हालांकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सितंबर अटैम्प्ट के लिए बट जो बच्चे आगे अटैम्प्ट देंगे दैट मीन्स आफ्टर मार्च 2023 उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि ए अभी अलाउड है वन मिलियन लेकिन आगे जाके फ्रॉम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी जो हमारा अलाउंस है ये रह जाएगा टू थाउजेंड क्यों इन्होंने करा है हमें नहीं पता ये इन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं तो ए ए फर्स्ट जनवरी 2022 तो जो भी बच्चे वीडियो फर्स्ट जनवरी 2022 के बाद देख रहे हैं और उनके एग्जाम्स आगे होने वाले हैं दैट उनके मार्च 23 के बाद एग्जाम्स होने वाले हैं तो जिनका भी जून 23 और उसके बाद का अटैम्प्ट उन बच्चों के लिए जो ए आई है वो इतने की जगह टू हंड्रेड थाउजेंड होगा ये याद रखना तो हालांकि मैं उस टाइम पे वीडियो बनाऊंगा चेंज करके बट स्टिल अभी के लिए याद रखना ठीक है आई होप सबको समझ आ गया हो अब इन्होंने क्या बोला तो क्या होगा तो is, ये तो हमारा मेन पूल में जाएगा इस पर आई ए मिलता है नहीं है एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अब मशीन इसने परचेज करी ही नहीं तो सिर्फ एक चीज परचेज की है तो ये ऑफकोर्स वन मिलियन पाउंड से कम है तो पूरा पूरा वन सेवेंटी माइनस हो जाएगा और कुछ भी हमारा इसमें से मेन पूल में नहीं जाएगा और जो प्रॉफिट में से हम पूरा पूरा वन सेवेंटी माइनस कर देंगे ठीक है तो यहां पे क्या होगा देखो इन्होंने क्या करा है? 170 -170 है सिर्फ इलेवन थाउजेंड रह गया ठीक है तो हमारा एक तो ये चला जाएगा प्रॉफिट में से रिड्यूस और एक इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन करेंगे वो होगी प्रॉफिट से रिड्यूस ठीक है अब आता है फर्स्ट ईयर अलाउंस न्यू ज़ीरो एमिशन कार्स अब स्पेसिफिक हमारा रूल आता है फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंस न्यू ज़ीरो एमिशन कार्स तो इसका सिंपल सा क्रक्स किया गया है गाईज? कि अगर हमने वैसे तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि जो एआईए होता है हमारा एआईए जो हमारा वन मिलियन पाउंड्स का है वो कार्स पे नहीं मिलता लेकिन अगर हमने पहले साल कोई कार परचेज करी है जो ज़ीरो एमिशन वाली है तो उस पर पूरा पूरा हम क्लेम जो भी हमने खर्चा किया है वो पूरा पूरा हम एक अलाउंस क्लेम कर सकते हैं तो लॉजिक ये है सबसे पहले जो भी हमारा परचेज ऑफ एसिड होता है उसमें से हम माइनस करते हैं अपना अलाउंस है ना उसके बाद जो वैल्यू बचती है इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और ये दोनों चीज़ें हमारे को एक्सपेंस अलाउड होती हैं तो अगर फर्स्ट ईयर में हमने कोई भी मोटर कार परचेज की है जो ज़ीरो एमिशन वाली है तो उस पर पूरा पूरा अलाउंस हम क्लेम कर सकते हैं तो जीरो सीओ टू एमिशन कार लिमिट एंड हंड्रेड परसेंट फर्स्ट ईयर अलाउंस आर इंक्लूडेड इन टैक्स हमें गिवन है हंड्रेड परसेंट फर्स्ट ईयर अलाउंस इज गिवन एज फॉलोज इन द पीरियड ऑफ एक्विशन अ हंड्रेड परसेंट फर्स्ट ईयर अलाउंस इज गिवन इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू डी ए के अगर जीरो टू जीरो एमिशन वाली कार परचेज की है उस पर पूरा हंड्रेड परसेंट अलाउड होता है अनलाइक ए आई एंड डब्ल्यू डी ए दिस अलाउंस इज नेवर टाइम अ पोर्शन फॉर पीरियड ऑफ ग्रेटर इन लेस देन ट्वेल्व मंथ्स मतलब ऐसा नहीं है कि जो कार है इसको हम इसका बेनिफिट जो है अलाउंस वो तीन चार सालों में देंगे लाइक like डेप्रिसिएशन पहले साल में सारा बेनिफिट मिल जाता है टैक्स प्लेयर डज नॉट हैव टू क्लेम और एनी एफ आई ए उसको क्लेम नहीं करना वो मिलता ही उसको उसको दिखाना ही नहीं है चीज़ इफ़ एफ आई ए इज़ नॉट क्लेम्ड एट ऑल डब्ल्यू डी ए इज अवेलेबल अगर एक टैक्स पेयर ने एफ आई ए क्लेम नहीं करा कोई बात नहीं ना करे तो उसको वो डब्ल्यू डी ए मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर पढ़ा था के जो भी हमारा बैलेंस आफ्टर ए होता है इस पर डब्ल्यू क्लेम कर सकते हैं तो बैलेंस आफ्टर आई ए इसमें से माइनस होगा एफ और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अभी क्वेश्चन करेंगे वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा अ पॉइंट इज इफ अ जीरो नॉट न्यू सेकेंड हैंड है इट इट प्रीटिस इन द सेम वे एज कार और बिल्कुल उसकी तरह उसको मेन पूल में करते हैं उसके ऊपर नो एफ आई ए और ए आई ए ए आई ए भी नहीं मिलता उस पर कार पे हमने पढ़ा हुआ है और एफ आई एम एफ वाई हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ नई कार आई ए एंड एफ वाई ए इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी हमारा बैलेंस बचता है उस बैलेंस पे जो भी बैलेंस बचता है उस बैलेंस पे हम मिलता है डब्ल्यू डी ए और इट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन ठीक है सो दब्ल्यू डी एज एटीन परसेंट गिवन ऑन रिड्यूसिंग लाइक ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड क्या होता है जैसे वन लाख ,00 है 1 ,00 पे मैंने जैसे ट्वेंटी परसेंट है तो ट्वेंटी परसेंट पहले साल माइनस हो गया कितना बचा एटी थाउजेंड अगले साल ट्वेंटी परसेंट जो कैलकुलेट होगा वो एट्टी थाउजेंड में कैलकुलेट होगा दैट तो वैल्यू बची हमारी 64 अगले साल जो ट्वेंटी इस अब इसमें क्या लिखे इट इज गिवन ऑन अन रिलीव एक्सपेंडिचर इन मेन पूल आफ्टर जो हमने दोनों माइनस करने के बाद एनी एडिशन ऑन विच एफ आई इज नॉट अवेलेबल प्लस एनी एडिशन नॉट कवर्ड इन ये आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ डिस्पोजल डिस्पोजल माइनस करने के बाद तो एक काम करते हैं लेट्स डू अ क्वेश्चन और वहां से अपना कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर ठीक है अब जैसे हमारे को जो पुराना क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था ठीक है ये क्वेश्चन हमने करा था अब इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूं के टोटल कैपिटल अलाउमेंस मैथ्यू को फर्स्ट ईयर में कितना अवेलेबल है इस क्वेश्चन में तो मैं क्या बोलूँगा एक तो ये उसके बाद जो बैलेंस बचे ए आई हमारा एफ वाई कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी हमने नई कार सी यू टू एमिशन वाली नहीं है तो इस पर एफ वाई नहीं मिलेगा सो दैट मीन्स इस पर हम एटीन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो टू लैख फोर्टी वन थाउजेंड इंटू एटीन परसेंट दैट मीन्स फोर थ्री थ्री एट ज़ीरो और वैल्यू हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन जैसे डेप्रिसिएशन करता है बिल्कुल वैसे रह गई वन नाइन सेवन सिक्स टू जीरो जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी तो हमें जो इस साल प्रॉफिट में जो भी हमारे प्रॉफिट थे उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा हमें एक तो ये पूरा पूरा वन मिलियन माइनस करना है तो माइनस वन मिलियन अलाउंस और माइनस ये वाला अलाउंस फोर थ्री थ्री एट जीरो हमें माइनस करने पड़ेंगे इतना हमें टोटल अलाउंस पहले साल मिलेगा जो हम प्रॉफिट में से पूरा पूरा माइनस कर सकते ठीक है यही इन्होंने यहां पे देखो करके दिखाया हुआ तो टोटल अलाउंस हमें कितना मिला इतना और इतना दिस इज टोटल अलाउंस दैट वी गेट अब एक क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थ्री एक सेकेंड गाइस सेशन नंबर थ्री में हमें क्या करना है ग्रेस कमेंस ट्रेडिंग ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू हर ट्रेडिंग प्रॉफिट एडजस्टेड फॉर द टैक्स पर्पज बट बिफोर कैपिटल लॉन्स आर इज फॉलोज के थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू को जो इसके प्रॉफिट से वो थे इतने थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी थ्री को इसके प्रॉफिट से इतने ऑन मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू मतलब इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो चलता है

सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी अलाउंसेस की तो यहां पे अगर मैं बताऊं हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है प्लांट एंड मशीनरी वन टू फाइव जीरो 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 तो मैं यहां पे लिखता हूं अपना मेन पूल मेन पूल सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी वन टू फाइव एक जीरो और आएगा शायद नहीं ठीक है इतने की मैंने प्लांट पर प्लांटर मशीनरी परचेस की है उसके बाद मैंने एक कार परचेज़ की है और हमने पढ़ा था कार पे ए आई नहीं मिलता तो जो कार है वो पूरी पूरी मेन पूल में आ जाएगी इस पर तो ए में ए आई मिलेगा ही नहीं और इस पर एमिशन जो है वो फोर्टी थ्री ग्राम से कम है सो दैट मीन्स इस पर हमें अलाउंस मिलेगा इट विल बी कंसिडर्ड इन प्लांट ठीक है ये स्पेशल में नहीं आएगी कॉमन हमारी मेन और जनरल पूल में आ जाएगी और हमने न्यू ज़ीरो एमिशन कार परचेज़ की है तो पहली बात ही जो प्लांट एंड मशीनरी है इस पे हम इतना हमें अलाउंस मिल जाएगा पहले साल तो so वैल्यू कितनी रहेगी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड और उसके बाद ये तो हो गया हमारा ए आई ए उसके बाद हमने ये परचेज की है कार विद जीरो एमिशन वन थ्री सिक्स डबल जीरो और इस पर हमें एफ वाई ए पूरा मिल जाएगा वन थ्री सिक्स डबल जीरो दैट मीन्स मेन पूल में कुछ भी नहीं जाएगा तो मेन पूल में हमारा बैलेंस कितना रह गया टू लैख फिफ्टी प्लस सिक्सटी फाइव हंड्रेड तो टू फाइव सिक्स फाइव डबल ज़ीरो आ गया मेरा मेन पूल में बैलेंस एक तो अलाउंस इतना एक इतना और इतना बैलेंस अब ध्यान से देखना का इंपॉर्टेंट बात इस पे एटीन परसेंट मुझे पहले साल डेप्रिसिएशन मिलेगी 18%, तो इन टू एटीन परसेंट तो फोर सिक्स वन सेवन जीरो ये मुझे मिली है फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अब अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो मेरे प्रॉफिट कितने थे वन फाइव टू जीरो सेवन सेवन जीरो मेरे प्रॉफिट थे इसमें से मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे पहले साल में तो पहले साल में पूरा ये ए आई एक तो ये माइनस हो जाएगा पूरा अलाउंस एक ये माइनस हो जाएगा पूरा अलाउंस मेरा वन थ्री सिक्स डबल जीरो और एक माइनस हो जाएगा ये वाला अलाउंस विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन तो कितनी है फोर सिक्स वन सेवन जीरो तो पहले साल जो मेरे टैक्सीबल प्रॉफिट आएंगे टैक्सीबल प्रॉफिट दोज विल बी वन फाइव टू ज़ीरो वन फाइव टू जीरो सेवन सेवन ज़ीरो माइनस वन मिलियन माइनस वन थ्री सिक्स डबल ज़ीरो माइनस फोर सिक्स वन सेवन ज़ीरो सो दैट इज फोर सिक्स वन ट्रिपल ज़ीरो तो पहले साल जो मेरा टैक्सीबल प्रॉफिट आएगा फोर सिक्स वन ट्रिपल जीरो विच इज़ ऑलसो कॉल्ड एडजस्टेड टैक्स प्रॉफिट क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो एडजस्टेड टैक्स प्रॉफिट पहले साल मेरे आएंगे इतने अब बात आती है नेक्स्ट ईयर की सो नेक्स्ट ईयर मेरे प्रॉफिट थे वन फाइव टू फाइव ट्रिपल जीरो अब देखो नेक्स्ट ईयर इस ईयर में हमने कोई भी एसेट परचेज नहीं किया नहीं करा तो अगर हमने कोई भी एसेट परचेज नहीं किया सो so ना तो किसी पे ए मिलेगा ना किसी पे एफ मिलेगा तो हमारे एसेट्स की वैल्यू इस साल में कितनी रह गई पहले हमारा मेन पूल में, में बैलेंस था इतना इसमें से इतनी लग गईन टू फाइव सिक्स डबल फोर सिक्स जीरोस जो हमारा बैलेंस रह गया था इस साल के लिए वो था टू वन जीरो थ्री थ्री जीरो इतना बैलेंस रह गया था जो कैरी फॉरवर्ड हुआ इस साल अब इस पे इस साल एटीन परसेंट तो टू वन थ्री थ्री जीरो इंटू एटीन परसेंट टू वन जीरो हमें इस साल सिर्फ अलाउंस मिलेगा थ्री सेवन एट फाइव नाइन इतना ही अलाउंस मिलेगा क्यों हमें ए आई और एफ वाई नहीं मिला रीजन बीइंग हमने कोई एसेट इस साल परचेज नहीं किया था ये दोनों सिर्फ परचेज एसेट्स पे मिलते हैं और उसके बाद जो वैल्यू ये अलाउंस लेने के बाद माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर हम हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहते हैं तो पहले साल डेप्रिसिएशन इतना बेनिफिट मिल गया इतनी वैल्यू रहेगी ऑन वैल्यू इसके ऊपर अगले साल एटीन परसेंट इतना और वो बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिल गया अब नेक्स्ट ईयर अगर मैंने कोई और एसेट परचेज किया होता तो क्या होता तो मेरा जो पूल में बैलेंस है देखो अब मैं नेक्स्ट ईयर की अगर बात करूं मैं इसको हटा दूं नेक्स्ट ईयर में क्या करता नेक्स्ट ईयर आई वुड हैव रिटर्न मेन पूल मेन पूल में मेरा रह गया टू वन जीरो थ्री थ्री जीरो उसके बाद अगर मैंने कोई परचेस किया वो फिर परचेस किया फिर उस पर अलाउंस फिर नेट वैल्यू मेरी यहां पे आती तो नेक्स्ट ईयर मेन पूल में मेरा जो ब्रॉड डाउन है वो तो इतने है, और जैसे पिछले साल की मैंने अभी वर्किंग करी थी यहाँ पे जो मैंने रब कर दी बिल्कुल वैसे मैं एडिशनल वर्किंग यहाँ पे करता और फिर मेन पूल में ऐड होते होते यहाँ पे टोटल आ जाता एंड देन उस वैल्यू पे 18% परसेंट सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दी कैलकुलेशंस तो हमारा जो प्रॉफिट टैक्सेबल होगा सेकेंड ईयर के लिए वन माइनस थ्री सेवन एट फाइव नाइन इट इज वन फोर एट सेवन वन फोर वन दिस विल बी दी एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ए टीपी एडजस्टिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट ठीक है सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे ये क्वेश्चन देखो इन्होंने नीचे कराया हुआ है दिस इलस्ट्रेशन इज योर होमवर्क ये इलस्ट्रेशन घर पे कर लेना कोई डाउट हो तो ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे यू कैन आस आज इतना ही करते हैं ठीक है क्योंकि अभी इसको ग्रास करने में थोड़ा टाइम लगेगा ये करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को आगे कराता हूँ ठीक है चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम